वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टूडेंट अड्डा पर। मैं हूँ केएस तोमर। दोस्तों, एक बार फिर आपसे 7 महीने पहले मैं आपके साथ कनेक्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 7 महीने से मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं था। बिकॉज इसके पीछे काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सब आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपना चैनल रीस्टार्ट कर रहे हैं और दोबारा से आपको वो सभी वीडियोस इस चैनल पर मिलेंगी जो आपको पहले मिलती आई हैं। बीते 7 महीने में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को मिस कर दिया है। काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस थी जो मुझे आपको देनी थी, बट मैं आपको नहीं दे पाया। तो उस सभी के लिए आपसे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको वो सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा पाया जो मुझे आपको समय पर देनी थी। सो काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स कंटिन्यूसली मुझे पिछले 7 महीने में आए हैं कि सर आप कहाँ थे, आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दरअसल बात ये थी कि पिछले 7 महीने से मैं वीडियो अपलोड इसलिए नहीं कर पा रहा था बिकॉज जो मेरे ग्रैंडफादर है यानी कि मेरे दादाजी, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। बीते पिछले 7 महीने से मेरे दादाजी की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है बिकॉज उन्हें एक पेनफुल डिजीज़ है जिसे कहते हैं गैंग्रीन। उनको गैंग्रीन होने के कारण उनसे चला नहीं जाता है, उनके पैरों में काफ़ी प्रॉब्लम है और उनके पैर की ऑलरेडी 2 सर्जरी हो चुकी है जिसकी वजह से उन्हें केयर की काफ़ी ज़रूरत थी और मैं अपना टाइम फ़िलहाल उन्हें दे रहा हूँ और पिछले 7 महीने से मैं उनके साथ हूँ। इसलिए मैं आपको और इस चैनल को टाइम नहीं दे पाया और पिछले 7 महीने से एक्टिव नहीं था बिकॉज मुझे दादाजी की केयर करनी थी और उनके ऑपरेशन होने की वजह से उन्हें चलने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी जिस वजह से मैं अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पाया था। बस यही एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं 7 महीने से एक्टिव नहीं था। फिलहाल अभी उनकी तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार है, काफ़ी सुधार नहीं है बट काफ़ी हद तक वो ठीक हैं और मैं समय निकाल के आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियो अब लाता रहूँगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें मेरे से काफ़ी उम्मीद है और काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो चाहते थे कि मैं जल्द से जल्द वीडियोस लाऊं ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकें। तो अब मैं पूरी कोशिश करूंगा आपसे कंटिन्यूसली टच में रहूं, आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूं, आपके जितने मेल आए हैं उन सभी मेल्स के रिप्लाई मैं करूं और आने वाली सभी मेरी वीडियोस आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल होंगी जितनी की पहले होती थी। तो सभी आप उन वीडियोस का वेट कीजिए, जल्द से जल्द आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। एंड आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको आने वाली वीडियोस किन टॉपिक्स पर चाहिए। जिन टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उन्हीं टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम आप आने वाले हैं उनसे रिलेटेड आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलने वाली हैं और आपके सभी डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो पिछले 7 महीने से एक्टिव ना होने के कारण जो भी आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं और कोशिश करूंगा इन फ्यूचर ऐसा दोबारा ना हो और आपको किसी भी तरह की मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। एंड आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कि अगर जब फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें किस तरह से उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है जिस वजह से हम अपना पर्टिकुलर कोई भी काम अगर छोड़ना भी चाहें तो उसे छोड़ सकते हैं क्योंकि जो फैमिली प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके या मेरे बीच ना आए जिस वजह से आपका और मेरा कॉन्टैक्ट काफ़ी लंबे समय तक ना हो पाए और कंटिन्यूसली आपको मैं इसी तरह से वीडियोस देता रहूँगा। तो प्लीज़ जिन सभी स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ जो स्टूडेंट नए हैं जो मुझसे 7 महीने बाद आज मुझे पहली बार इस वीडियो में देख रहे हैं जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इन 7 महीनों में हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, स्टूडेंट अड्डा चैनल पर ट्रस्ट किया और इस चैनल को सब्सक्राइब किया। तो स्टूडेंट अड्डा फैमिली के साथ आप जुड़े रहिए, आपको इग्नू से रिलेटेड और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उन पर वीडियोस कंटिन्यू मिलती रहेंगी और आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे। तो ये छोटी सी वीडियो आप सभी को यही बताने के लिए थी कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ और वापस हम दोबारा से चैनल को रीस्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप मेरी प्रॉब्लम को समझ सकेंगे और मेरी आने वाली वीडियोस को सपोर्ट करेंगे और अपना प्यार इसी तरह देते रहेंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।